दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि श्रेयाब चतुर जो कि पैदल हज यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पैदल हज यात्रा केरला से शुरू करी थी। वो 2 जून को पैदल हज यात्रा के लिए निकल गए थे। उनका ये बचपन का सपना था कि वो हज यात्रा के लिए पैदल जाएंगे और उन्होंने इसके लिए 1 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। श्रेयाब जानते थे कि उन्हें 8600 किलोमीटर का पैदल सफर करना होगा, तो वो रोज पैदल चलने की प्रैक्टिस करते थे। श्रेयाब ने अपने फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, इसके लिए वो दिल्ली तक पैदल गए थे। श्रेयाब ने जब अपना सफर शुरू किया था तब उन्हें कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अब उन्हें सब जानने लगे हैं। श्रेयाब को न केवल भारत देश की जनता बल्कि विदेशों की जनता भी पहचानने लगी है। श्रेयाब को जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और जब लोगों ने पैदल हज यात्रा के बारे में सुना तो वो हैरान रह गए कि कोई कैसे इतना लंबा सफर पैदल कर सकता है। ऐसा करने का तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। उनसे मिलने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं और लाइन पर खड़े रहते हैं। दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और कोई उनसे पैदल चलकर मिलने आता है। सभी धर्म के लोग उनसे मिलना चाहते हैं। श्रेयाब भाई ऐसे नेक काम के लिए निकले हैं कि सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब श्रेयाब आते हैं तो लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। श्रेयाब के सफर को 7 महीने हो चुके हैं। जब श्रेयाब भारत का एरिया क्रॉस करके बाघा बॉर्डर पहुंचे तो उन्हें वहां पर वीजा देने से इनकार कर दिया गया और तभी से उनका यह सफर यहाँ पर रुका है। श्रेयाब का सफर रुके हुए 3 महीने हो गए और वो अभी पंजाब के खासा गांव के आफिया किड स्कूल में रह रहे हैं और वहां के ओनर जुनेद भाई उनका खाने और रहने का इंतजाम कर रहे हैं। जुनेद भाई तो एक फरिश्ते के रूप में श्रेयाब की जिंदगी में आए हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक लोगों की मदद के लिए जुनेद भाई की शक्ल में भेज देते हैं। वो श्रेयाब भाई की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। श्रेयाब भाई आफिया किड स्कूल में बड़े ही प्यार से रहते हैं। वो आफिया स्कूल के बच्चों को कभी कभी पढ़ाते भी हैं और जब भी वहाँ कोई फंक्शन होता है तो वो भी अटेंड करते हैं। श्रेयाब रोज पंजाब एक्सप्लोर करने जाते हैं और वो एक दिन में 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। जुनेद भाई भी उनके साथ जाते हैं। श्रेयाब इतने फेमस हो गए हैं कि उनसे मिलने के लिए देश विदेश से भी लोग आने लगे हैं। लोग उनसे आफिया किड स्कूल में मिलने जाते हैं और उनसे मिलने का अब एक टाइम निर्धारित किया गया है, यानी कि फिक्स किया गया है, और लोग उनसे उसी टाइम पर मिलने आते हैं। श्रेयाब का यहाँ पर बहुत समय बर्बाद हो चुका है। श्रेयाब की पूरी टीम उनके लिए पूरी तरह से मेहनत कर रही है। श्रेयाब तो वापस नहीं जा सकते थे, उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स का काम उनकी पूरी टीम ने संभाला है। श्रेयाब के वीजा के लिए सारा पेपर वर्क उनकी टीम ने ही किया है। अभी ये कहा जा रहा है कि श्रेयाब का पेपर वर्क पूरा हो गया है। अभी कुछ समय पहले शाही इमाम साहब ने भी कहा था कि श्रेयाब का सफर बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा, वो बहुत ही जल्दी पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि श्रेयाब के बारे में कोई फेक न्यूज ना फैलाई जाए, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीदें श्रेयाब से जुड़ी है और ऐसी फेक न्यूज से लोग प्रभावित होते हैं। श्रेयाब के सफर शुरू होने का सभी को इंतजार है और शाही इमाम साहब ने कहा भी था कि जब श्रेयाब अपना सफर पूरा कर लेंगे तो वो सभी को अपने बारे में और सफर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। एक YouTube चैनल में एक ऐसी न्यूज आई कि श्रेयाब का सफर शुरू हो गया है और वो पाकिस्तान जा रहे हैं। इस न्यूज ने लोगों को बहुत खुशी दी कि श्रेयाब का सफर शुरू हो गया है। फिर कुछ वक्त बाद पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी ये न्यूज आ रही है कि श्रेयाब को खुफिया तरीके से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है और वो पाकिस्तान में सफर कर रहे हैं। और उनकी सिक्योरिटी को लेकर ये न्यूज नहीं बताई गई कि वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और ना ही कोई वीडियो अपलोड की गई है और ना ही किसी को इसके बारे में बताया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि कोई अपडेट नहीं दी जाएगी श्रेयाब के सफर के बारे में। अब ऐसी न्यूज ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है कि श्रेयाब आखिर है कहाँ, श्रेयाब पाकिस्तान में है या भारत में। अब पाकिस्तान की जनता तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब श्रेयाब आएंगे और उनसे मिलेंगे। अगर श्रेयाब पाकिस्तान में होते तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई उन्हें देख ही ना पाए, और वैसे भी वो पैदल यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी न किसी को तो वो दिखाई देते या फिर कहीं ना कहीं नमाज पढ़ने जाते। अगर वो भारत में नहीं है तो लोग आफिया किड स्कूल में किससे मिलने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोग आफिया किड स्कूल जा रहे हैं और श्रेयाब से मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि असल में श्रेयाब है कहाँ, भारत में है या पाकिस्तान में। वैसे तो श्रेयाब का सफर शुरू होना चाहिए क्योंकि उनका सफर वैसे भी लेट हो गया है। अगर वो अभी सफर शुरू करेंगे तो वो 2023 का हज कर पाएंगे और अभी 2023 के हज में लगभग 7 महीने का समय है और उन्हें पाकिस्तान का एरिया कंप्लीट करने में 2 महीने का समय लगेगा। श्रेयाब को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अभी ठंड के समय पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत ठंड होती है तो वो जो एरिया है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, तो उसमें भी उन्हें समय लग सकता है और लोगों को ये भी चिंता है कि वो अपनी इस हज यात्रा को समय पर कर पाएंगे या नहीं। श्रेयाब हिम्मत नहीं हारे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो अपना सफर जल्दी से पूरा कर लेंगे। अब हम सब लोग उनके लिए दुआ कर ही रहे हैं और वैसे भी श्रेयाब नेक काम के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह उनका पूरा साथ देगा। अब यहाँ पर श्रेयाब को एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर चलना होगा तभी वो अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। अभी तो लोग फिलहाल ये जानना चाहते हैं कि श्रेयाब है कहाँ, भारत में है या पाकिस्तान में,
क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को ये लग रहा है कि अगर वो पाकिस्तान में है तो सभी लोग उनसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत वक्त से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोगों को यही लगता है कि अगर शयाब अपना सफर शुरू करेंगे तो वो जरूर सबको बताएंगे कि उन्होंने अपना सफर शुरू कर लिया है, या फिर उनकी टीम कुछ ना कुछ तो अपडेट देती ही रहेगी। और शयाब कुछ ना कुछ अपडेट तो अपने सफर के बारे में देते रहेंगे। उन्हें पता है कि लोगों की कितनी उम्मीदें उनसे जुड़ी है, उनके सफर से जुड़ी है, तो इसलिए उम्मीद है कि शयाब अपना सफर जल्दी ही पूरा करेंगे और हम सभी उनके लिए दुआ करेंगे कि वो जल्दी से अपनी हज यात्रा को पूरा कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।